इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स जो कि आते हैं 18,000 रुपए की प्राइस रेंज में। इन सभी फोन्स में आपको हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर मिलेगा जिसका अंतुतु स्कोर 4 लाख के आसपास आता है और कुछ में आपको 4 लाख से भी ज्यादा अंतुतु स्कोर देखने मिलेगा। उसी के साथ बेस्ट कैमरा सेटअप, डिसेंट बैटरी और हाई क्वालिटी डिस्प्ले भी देखने मिलता है। सबसे जरूरी बात, ये सभी फोन 5G रेडी होने वाले हैं जो फ्यूचर प्रूफ है। अगर आप 18,000 रुपए में गेमिंग कैमरा क्वालिटी के साथ एक अच्छा ऑलराउंडर फोन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी फोन्स के डिटेल, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स। दोस्तों, इन सभी फोन्स की रैंकिंग हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस और फीचर्स के हिसाब से की है। आपकी रैंकिंग अलग हो सकती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपना फोन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है पोको M4 प्रो 5G। ये फोन कमाल की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। सामने की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है और उसी के साथ इसमें IP53 डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन भी आती है। बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो यह आता है 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस फोन में आपको 50MP का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP वाइड और 8MP का अल्ट्रा वाइड, और उसी के साथ 16MP का फ्रंट कैमरा सेंसर मिलता है। ये फोन आता है Dimensity 810 6nm प्रोसेसर के साथ। ये प्रोसेसर हर काम करने के लिए केपेबल है, चाहे वो गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग, जिसका अंतुतु स्कोर इस फोन के साथ 3,80,000 के आसपास आता है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है और उसे चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर आता है। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं और उसी के साथ 3.5mm का ऑडियो जैक आता है। यह आता है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ और इसमें IR ब्लास्टर देखने मिलता है। ये फोन आता है 4GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 128GB के 3 वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का वेरिएंट 17,000 में ही मिल जाता है। तो पोको M4 प्रो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी F23। ये फोन अभी लॉन्च हुआ है, इसकी सेल 16 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। यह आता है 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसमें आता है 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें 50MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है और फ्रंट की तरफ 8MP का सेल्फी सेंसर आता है। यह आता है स्नैपड्रैगन 750G 8nm 5G प्रोसेसर के साथ जो एक डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के देता है, जिसका अंतुतु स्कोर इस फोन के साथ 3,80,000 के आसपास देखने मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी आती है और इसे चार्ज करने के लिए 25W का चार्जर मिलता है। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, यह आता है सिंगल स्पीकर के साथ और इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है। इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है। यह आता है 4GB वर्चुअल रैम के साथ और इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। यह आता है 4GB 64GB और 6GB 128GB के 2 वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का वेरिएंट 17,000 के आसपास देखने मिलता है और कार्ड ऑफर के साथ आप इसे 16,000 तक आसानी से परचेस कर सकते हैं। इस प्राइस पर ये फोन आपको वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो सैमसंग गैलेक्सी F23 हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। तो आप चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Vivo T1 5G। यह आता है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ जो 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। इसमें आपको शानदार डिस्प्ले क्वालिटी देखने मिलती है। ये फोन आता है 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसमें 50MP वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर आता है और सामने की तरफ 16MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। यह आता है स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ जो शानदार परफॉर्मेंस निकाल के देता है और इसका अंतुतु स्कोर इस फोन के साथ 4 लाख से भी ज्यादा आता है। फोन में 5000mAh की बैटरी आती है और उसे चार्ज करने के लिए 18W का चार्जर मिलता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, साथ में FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने मिलता है। यह आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। इसमें 4GB वर्चुअल रैम आती है और इसमें UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है। ये फोन आता है 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB के 3 वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का वेरिएंट 17,000 के आसपास मिल जाता है। ये फोन सबसे कम प्राइस में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो Vivo T1 5G हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Realme 9 Pro। ये आता है प्रीमियम डिजाइन और कलर शिफ्ट बैक डिजाइन के साथ। डायरेक्ट सनलाइट में इसके बैक पैनल का कलर चेंज हो जाता है। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो ये आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ, उसी के साथ 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। यह आता है 64MP ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 64MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP का माइक्रो सेंसर मिलता है और सामने की तरफ 16MP का सेल्फी सेंसर आता है। ये फोन भी आता है स्नैपड्रैगन 695 6nm 5G प्रोसेसर के साथ, जिसका अंतुतु स्कोर इस फोन के साथ 4 लाख से भी ज्यादा देखने मिलता है। इस प्रोसेसर के साथ आप डिसेंट लेवल की मल्टीटास्किंग और गेमिंग कर सकते हैं। इसमें आती है 5000mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है। यह आता है 3.5mm ऑडियो जैक के साथ। इसमें आपको 5GB तक वर्चुअल रैम एक्सपेंशन मिल जाती है और इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। यह आता है 6GB 128GB और 8GB 128GB के 2 वेरिएंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का वेरिएंट 18,000 रुपए से शुरू होता है। इस प्राइस पर यह फोन वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए यह फोन हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है iQOO Z3। यह फोन आता है फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ और इसमें बाकी फीचर्स भी टॉप नॉच मिलते हैं। इसमें आती है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS
इंच LCD डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज़ फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यह आता है 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 64 मेगापिक्सल वाइड, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। इस लिस्ट का यही फोन है जिसमें आपको 4K 60fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यह आता है स्नैपड्रैगन 768 7nm 5G प्रोसेसर के साथ जो कमाल की परफॉर्मेंस निकाल के देता है और जिसका अंतत स्कोर इस फोन के साथ 4.5 लाख से भी ज्यादा आता है, जिसमें आपको हाई एंड परफॉर्मेंस देखने मिलती है और सभी गेम्स एक्सट्रीम सेटिंग्स पर आराम से चला सकते हैं। इसमें 4400mAh की बैटरी आती है और उसे चार्ज करने के लिए 55W का क्विक चार्जर मिलता है जो 50 मिनट्स के अंदर इस फोन की पूरी बैटरी चार्ज कर देता है। अगर बात करें इसके फीचर्स की तो यह आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। इसमें सिंगल स्पीकर के साथ 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है। इसमें आती है 3GB की वर्चुअल रैम, इसमें माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है और यह आता है LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। यह आता है 6GB 128GB और 8GB 128GB के दो वेरियंट के साथ, जिसका 6GB 128GB का वेरियंट 18,000 में मिल जाता है। इस फोन की प्राइस पहले 20,000 से थोड़ी ज्यादा थी लेकिन अभी इसकी प्राइस 2,000 तक ड्रॉप हो चुकी है। जिस हिसाब की प्राइस के साथ ये परफॉर्मेंस और फीचर्स ऑफर करता है उस हिसाब से IQ Z3 5G हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो कि आते हैं 18,000 रुपए की प्राइस रेंज में। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्टली इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।